एपिसोड की शुरुआत में फ्यूरिन के बंदे सिसिटोरियन के एरिया के अंदर चले जाते हैं और उनको देखने के बाद चोजी काफी एक्साइटेड होता है और कहता है कि मेरे पीछे आओ और वो भागने लगता है। फिर वहाँ पर जितने भी बंदे थे वो सब चोजी को फॉलो करने लगते हैं और रास्ते में बढ़ते बढ़ते साकुरा नोटिस करता है कि यहाँ पर जितनी भी दुकानें हैं वो सब कोई नॉर्मल दुकान नहीं है, वो सब के सब बार थे। और फिर नीरे बताता है कि ये एरिया ऐसा ही है, ये सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, दिन में ये पूरा सुनसान रहता है लेकिन रात को यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हलचल होती है, ये एरिया बहुत ही लाइवली होता है। लेकिन तभी साकुरा एकदम से रुक जाता है और कहता है, बाय द वे नीरे, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? नीरे कहता है कि हाँ ये बात सच है कि मैं लड़ाई नहीं करने वाला, लेकिन मैं उस सीन में प्रेजेंट तो था ना, मैं उसमें इन्वॉल्व था ना, इसलिए मुझे यहाँ पर होना है। और ऊपर से भले ही मैं लड़ने नहीं वाला लेकिन मैं तुम लोगों को लड़ते हुए देखकर कुछ तो सीख लूंगा ना। और ये सब सुनकर साकुरा काफी वियर्ड फेस बनाता है, लेकिन तभी हिरागी चिल्लाता है कि यार तुम लोग थोड़ा तो सीरियस हो जाओ। लेकिन तभी उमेमिया कहता है, शांत हो जाओ, वैसे भी मुझे साकुरा के ऊपर फुल कॉन्फिडेंस है। लेकिन वहाँ पर साकुरा तो नीरे के साथ लड़ाई कर रहा था। फिर वो लोग आगे बढ़ते हैं और चोजी उनको एक थिएटर के सामने लाता है और तोगामे कहता है कि वेलकम, यही है सिस्टोरेन का मेन बेस। फिर सब लोग उस थिएटर के अंदर घुसते हैं और नीरे बताता है कि ये लायंस हेड का बेस और ये एक शटडाउन थिएटर है जिसका नाम ओरी है, जिसका मीनिंग केज होता है। और फिर चोजी मेन गेट खोलता है और हमें थिएटर के अंदर का सीन दिखाया जाता है जो कि सिस्टोरेन के बंदों से फुल पैक्ड अप होता है। सब लोग इस फाइट के लिए काफी एक्साइटेड हो रखे थे। इस पूरे माहौल को देखकर नीरे की तो फट चुकी थी, लेकिन तभी साकुरा नीरे से कहता है, तुम यहाँ पर सीखने आए हो ना तो अपना सर ऊपर रखो। तभी हमें दिखाया जाता है कि चोजी स्टेज के ऊपर चढ़कर सबको इस ग्रैंड वन ऑन वन फाइट में वेलकम करता है। उमेमिया सबको देखकर कहता है कि ये सब कुछ तो कुछ ज़्यादा ही हाइप अप है, बट तुम लोग बिल्कुल भी चिंता मत करना क्योंकि जो मेन इवेंट होने वाला है वो मेरे और चोजी के बीच में है, इसलिए तुम लोग हारने जीतने की ज़्यादा चिंता मत करना और आराम से लड़ाई करना। वैसे भी तुम्हारा हार और जीत से उतना भी ज्यादा इफेक्ट नहीं आने वाला है। ये सुनते ही साकुरा कहता है, मुझे इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं यहाँ पर इनको खत्म करने आया हूँ और वही करूँगा। ये सुनकर उमेमिया और ज्यादा इम्प्रेस्ड हो जाता है, लेकिन तभी चोजी उमेमिया को कहता है कि उमेमिया जल्दी आओ, फाइट करते हैं। लेकिन तभी तोगामे कहता है कि शांत हो जा भाई, ये कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता कि बॉस सबसे पहले फाइट करे। और ये सुनते ही पास में आरिमा बैठा था, वो खड़ा होकर कहता है कि बॉस अगर आपके है तो मैं पहले जा सकता हूँ। और उसका ओपोनेंट था सुगिस्ता और सुगिस्ता काफी खतरनाक तरीके से उस बंदे की तरफ देख रहा था और लड़ाई के लिए पूरी तरीके से प्रिपेयर्ड था। वो आगे बढ़ता है, लेकिन तभी साकुरा कहता है कि हेलो तुम्हें याद है ना, हम दोनों के बीच का फाइट अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, इसलिए तुम बिल्कुल भी हारना नहीं। और ये सुनते ही सुगिस्ता आगे बढ़ता है और दोनों स्टेज के ऊपर चढ़ जाते हैं। जो वहाँ पर बंदे थे वो आरिमा के लिए चेयर कर रहे जा रहे थे और तभी नीरे अपनी डायरी खोलता है और उस डायरी में आरिमा का डिटेल्स पढ़ने लगता है। वो कहता है, अपेरेंटली आरिमा कुछ ज्यादा ही स्ट्रांग है, इसने एक बार एक ही मुक्के में एक बंदे की काफी सारी हड्डियाँ तोड़ दी थी और अब लड़ाई स्टार्ट होने वाली थी। आरिमा सुगिस्ता को काफी ज्यादा तेज कर रहा था, लेकिन तभी अचानक से वो उमेमिया की तरफ देखता है और कहता है, उमेमिया ये क्या हो गया तुम्हें? ये सुनते ही सुगिस्ता का पूरा ध्यान उमेमिया की तरफ चला जाता है, लेकिन ये चीज असल में एक ट्रिक होती है और इसका फायदा उठाकर आरिमा कसकर सुगिस्ता के मुंह पर एक गुस्सा मारता है और कहता है कि लड़ाई के वक्त तुम्हें तुम्हारा फोकस यही पर रखना होगा ना कि कहीं और। लेकिन तभी सुगिस्ता आरिमा के हाथ को पकड़ता है, फिर उसके फेस को पकड़ता है और उसको स्टेज में जोर से पटक देता है। जो आरिमा था वो रिएक्ट तक नहीं कर पाता है और सुगिस्ता को एक थरोच तक नहीं आती है और फिर उसको नीचे पटकने के बाद कहता है, उमेमिया नहीं मास्टर उमेमिया बोलो गधे कहीं के। सिस्टोरियन के बंदे एकदम शॉक्ड थे कि फर्स्ट ईयर का बंदा आरिमा को इतनी इजीली डाउन कर दिया। लेकिन उसी बीच हमें दिखाया जाता है चोजी काफी एक्साइटेड हो रखा था, उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था कि उसके गिल्ड के मेंबर को इतनी बुरी तरीके से मारा गया, लेकिन वो तो उल्टा सुगिस्ता के ऊपर इंटरेस्ट शो कर रहा था कि क्या तुम मेरे साथ भी लड़ सकते हो। लेकिन तभी तोगामे उसको पकड़ लेता है और नीचे बैठा देता है
और कहता है अभी आराम से बैठो, अपने टर्न का वेट करो। तभी हमें दिखाया जाता है कि सुगिश्ता वापस आता है और सब लोग सुगिश्ता की काफी तारीफ कर रहे थे। सब लोग उसके पावर को देखकर काफी इम्प्रेस्ड थे, लेकिन साकुरा एकदम आराम से बैठा हुआ था। तभी सुओ से कहता है कि हाँ मुझे पहले से ही पता था, मैंने तो इससे पहले भी लड़ाई कर रखी है। ये सुनते ही कहता है सुओ कि इसका मतलब तुम मानते हो ना कि सुगिश्ता पावरफुल है। ये सुनते ही साकुरा कहता है नहीं नहीं मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा था। लेकिन उसके बीच में हमें दिखाया जाता है तोगा में बिल्कुल आराम से बैठा था और तभी चोजी अरिमा की बॉडी की तरफ इशारा करता है और दो बंदों से कहता है कि जाओ इस बॉडी को साफ कर दो, इनको अपने ग्रुप मेंबर के लिए कोई भी इज्जत नहीं थी। फिर वो दो बंदे जाते हैं और अरिमा की बॉडी को उठाकर फ्यूरिन के बंदों के सामने ही गिरा देते हैं। फिर उसके मुंह पर एक लात मारकर वहां से चले जाते हैं। ये सब देखने के बाद साकुरा कहता है हे तुम दोनों आज से कभी भी ये मत कहना कि तुम लोगों के लिए सिर्फ पावर ही मैटर करता है, क्योंकि असल में तुम लोग काफी ज्यादा वीक हो। ये सुनते ही वो दोनों बंदे काफी गुस्सा हो जाते हैं और एकदम साकुरा को मारने के लिए जाते हैं। लेकिन तभी सुओ कहता है कि साकुरा अभी फाइट मत करो, तुम्हारा टर्न आने का वेट करो, वैसे भी ये बच्चों को बिना मार खाए कुछ भी समझ नहीं आएगा। ये सुनते ही एक और बंदा सुओ के कॉलर को पकड़ लेता है और कहता है क्या कह रहे हो तुम। लेकिन तभी चोजी कहता है कि ये तुम्हारा ओपोनेंट नहीं है, प्लीज पीछे हट जाओ। तो चोजी को देखकर वो बंदा पीछे हट जाता है। फिर अगले फाइट का अनाउंसमेंट होता है और ये बंदा अरिमा का हाल देखकर काफी ज्यादा डर चुका था। उसी तरफ सुओ भी अपनी फाइट के लिए प्रिपेयर हो चुका था। लेकिन जाते जाते वो साकुरा से कहता है साकुरा जब तुमने पहली बार कहा था कि तुम्हें टॉप स्पॉट हासिल करना है मुझे लगा था कि तुम हवा में फेंके जा रहे हो, लेकिन अब तक तुम्हारी बातें तुम्हारा एक्शन देखकर मुझे पता चल गया है कि तुम हवा में फेंकने वाला बंदे तो नहीं हो, इसलिए मुझे भी ये लड़ाई को जीतना ही होगा ताकि तुम मेरे आगे ना निकल जाओ। और ये सब सुनने के बाद साकुरा अजीब सा बिहेव करता है क्योंकि उसको ये सब सुनने की आदत नहीं होती है। फिर स्टेज में सो और कानुमा दोनों ही पहुंच जाते हैं। साकुरा निरे से कहता है मुझे इस बंदे के बारे में डिटेल्स दो। निरे कानुमा का डिटेल्स निकालने लगता है, लेकिन तभी साकुरा कहता है मुझे कानुमा का नहीं सुओ का डिटेल्स चाहिए। और ये सुनते ही सुओ का डिटेल्स वो निकालने लगता है और कहता है कि सुओ काफी ज्यादा पावरफुल है, लेकिन सच बताऊं तो उसके बारे में कोई स्पेसिफिक डिटेल्स मेरे पास नहीं है। और तभी साइड में हिरागी भी कहता है मैंने भी सुना है कि सुओ काफी ज्यादा पावरफुल है, लेकिन मेरे पास भी इसके बारे में कोई स्पेसिफिक डिटेल्स नहीं है। इवन उमेमिया के पास भी सुओ के पावर के बारे में काफी डिटेल्स नहीं थी। और वो कहता है मुझे इतना पता है कि सुओ एक जेंटलमैन है। और उसी तरफ हमें स्टेज का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सुओ काफी ज्यादा काम था। वो कहता है कि तुम्हें काफी बुरा लग रहा होगा ना, इवन तुम्हें गुस्सा भी आ रहा होगा अपने फ्रेंड की वजह से। लेकिन उसी तरफ कानुमा काफी डरा हुआ था। वो कहता है कि मैं हमेशा अरिमा के साथ रहा हूँ, लेकिन आज मेरा दोस्त ऑलरेडी टेकन डाउन हो चुका है। मगर सुओ काफी शांत था। वो कहता है मुझे पता है कि ये तुम्हारे लिए काफी हार्ड होने वाला है, लेकिन तुम अभी भी एक बच्चे ही हो। और ये सुनते ही कानुमा एकदम गुस्सा हो जाता है और भागकर सुओ के ऊपर अटैक करने ही वाला था, लेकिन सुओ बहुत ही कामली उसके अटैक को डाइवर्ट कर देता है। सब लोग सुओ का मूव देखकर काफी शॉक्ड थे। तभी सुओ कहता है कि ये सब चीज एलिमेंट्री स्कूल तक ही ठीक थी, आओ मैं तुम्हें एडल्ट बनाना सिखाता हूँ। कानुमा को यकीन नहीं होता है कि इतना जल्दी सुओ उसके अटैक को डॉज कर लेता है और डाइवर्ट करता है और पीछे भी आ जाता है। कानुमा बहुत ही गुस्सा हो चुका था और फिर उसे अटैक करने आता है, लेकिन रिजल्ट सेम होता है। वो फिर से उसके अटैक को डाइवर्ट करके उसको नीचे गिरा देता है। कानुमा सुओ का पैर पकड़ने वाला था, लेकिन सुओ फिर से अपने पैर को घुमाकर उसको फिर से नीचे गिरा देता है और कहता है कि तुम्हें क्या लगता है एक एडल्ट कैसे बना जाता है। ये सुनते ही कानुमा कहता है कि मेरे साथ बकवास करना बंद करो, और वो गुस्सा हो जाता है। फिर से अटैक करने जाता है, लेकिन फिर से वही होता है। लोगों को लगता है कि कानुमा खुद से ही गिर रहा है। ये देखकर ऑडियंस में जितने भी बंदे थे वो कानुमा के ऊपर चिल्लाने लगते हैं, लेकिन कानुमा को खुद को भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। वो सब अटैक तो करने जा रहा था, लेकिन खुद से ही गिर जा रहा था। दूसरी तरफ सुओ आराम से खड़ा था, लेकिन ये सब देखकर साकुरा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो कहता है कि सुओ बिल्कुल भी अच्छा बंदा नहीं है, वो ना ही इस वीक बंदे को हारने दे रहा है ना ही जीतने दे रहा है। अगर मैं इस जगह पर होता
हफ्तों में मरना प्रेफर करता। और उसी तरफ हमें स्टेज का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अभी भी वो बंदा स्ट्रगल कर रहा था सुओ के ऊपर एक पंच मारने के लिए। वो ट्राई करते करते थक जाता है लेकिन वो एक भी पंचिस मार नहीं पाता है और बार बार नीचे गिर जा रहा था। सुओ एक एफर्ट तक नहीं लगा रहा था, वो अभी तक उसको किक भी नहीं या फिर गुस्सा भी नहीं मार पाया था। ये सब देखने के बाद वहाँ पर कानुमा के ऊपर सारे बंदे चिल्लाने लगते हैं, उसे बुरा भला कहने लगते हैं। फिर कानुमा चोजी को देखते हैं और मन ही मन वही इंसिडेंट के बारे में सोच रहा था जहाँ पर वो उस बंदे का जैकेट छीन देता है और कहता है अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं भी। और पीछे से सुओ बोलता है मुझे पता है अभी तुम क्या सोच रहे हो। और ये सुनते ही कानुमा एकदम चिल्लाने लगता है कि नहीं ये इम्पॉसिबल नहीं है। वो सुओ की तरफ भाग कर जाता है और एक गुस्सा मारता है लेकिन सुओ एग्जैक्टली उसके फेस के सामने एक किक मारता है और कहता है अभी भी मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि तुम क्या सोच रहे हो और मुझे बताना कि मैं सच बोल रहा हूँ या गलत। तुम अभी अपने आप को उसी बंदे की जगह पर इमेजिन कर रहे हो जिसका तुमने मजाक बनाया था, है ना? मैं सच बोल रहा हूँ ना? ये सुनते ही कानुमा डर जाता है और कहता है कि नहीं ये नहीं हो सकता। सो कहता है यही आंसर है कि तुम एडल्ट कैसे बनोगे। अगर तुम्हें एडल्ट बनना है तो तुम्हें इमेजिन करना चाहिए और अगर तुम अपने इमेजिनेशन को और भी ज़्यादा स्ट्रांग बनाना चाहते हो तो तुम्हें तुम्हारे इमेजिनेशन को रियलिटी में बदलना होगा। ये सुनते ही कानुमा की फट जाती है। तभी वो उसको एक मुक्का मारने ही वाला था तभी तोगा में खड़ा होता है और कहता है कि बस ये ओवर हो चुका है। फिर कानुमा से कहता है तुमने ऑलरेडी हमें काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदा कर दिया है और तुम अब सिसिटोरियन से बाहर हो। ये सुनते ही कानुमा का तो मानो पैरों तले ज़मीन खिसक जाता है और जाते जाते सो कहता है एक एडल्ट बनने का मतलब है तुम्हें दूसरों के लिए और भी ज़्यादा कंसिडरेट होना चाहिए और इसके लिए तुम्हें इमेजिनेशन और एक्सपीरियंस चाहिए। लेकिन तुम्हारे लिए अच्छा है कि तुमने ऑलरेडी पहला स्टेज पार कर दिया है। और ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।